हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 9 AM पे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जो वहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट जीके जीएस का टॉपिक है जो कि कवर करते हैं। होपफुली आपने पहले वाले सारे वीडियोस देख लिए होंगे। आज मंडे है तो आपको मालूम है आज हम लोग हिस्ट्री है जो कि कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो हम लोग हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। क्या क्या हम लोग कर चुके हैं एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आज क्या करने वाले हैं वो भी देखेंगे। तो आज हम लोग वैसे पोस्ट मॉर्डन पीरियड है जो कि पढ़ने वाले हैं, यानी कि 200 BC से लेकर 300 AD तक हमारे देश में क्या हुआ वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम लोग इतिहास के उस रास्ते पर आ चुके हैं जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जा चुके हैं। कैसे, चलो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आपने पुराने वाले वीडियो देख लिए क्या यार? प्लीज देख लेना, आप ही लोगों के लिए बनाए, प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो से देखना चालू करना, मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो अगर ये हमारे दोस्तों क्रोनोलॉजी की टेबल है, आज हम लोग 2023 कौन सी जून है, 19th जून, अगर आज हम लोग यहां पर हैं, तो हमने इतिहास जो स्टार्ट किया था वो 2350 BC से स्टार्ट किया। 1750 BC हमने पढ़ा जो कि क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हमने 1500 से लेकर 1000 BC तक पढ़ा जो कि क्या था, अर्ली वैदिक एज। फिर हमने 1000 BC से 600 BC पढ़ा जो कि था लेटर वैदिक एज। फिर हमने दोस्तों 600 BC जब आया तो हमने क्या किया, जैनिज्म पढ़ा और बुद्धिज्म पढ़ा, समझ गए। उसी प्रकार से हमने 600 BC से लेकर हमारे, है ना, हमने क्या किया, 600 BC से लेकर 25 AD तक हमने मगध एम्पायर के बारे में जाना। मगध के अंदर ही दोस्तों 300 से लेकर 185 BC के बीच में, 321 से लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मौर्य के बाद में पोस्ट मौर्य पीरियड है जो कि कवर करेंगे कि मौर्य के बाद में हमारे देश में क्या आया। यानी कि हम लोग अब क्या करेंगे, आज हम लोग दोस्तों अगर आप देखोगे, अरे यार ओहो चला गया क्या, हाँ, तो कुल मिला के आज हम लोग मौर्य के बाद में 200 BC से लेकर 300 AD तक, ये बीच में, ये जीरो है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, तो BC से AD के बीच में हमारे देश में क्या हुआ वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी बीच में दोस्तों यहां पे 321 से लेकर 185 BC तक तो क्या था, हमारा मौर्य साम्राज्य था जिसको हिलाना नामुमकिन था, लेकिन 185 BC, 200 BC के टाइम तक मौर्य साम्राज्य बहुत वीक हो चुका था। तो मौर्य साम्राज्य के वीक होने के बाद में 200 BC से 300 AD, यानी कि ये 500 साल का जो इतिहास है ना वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अब देखो 200 BC से 300 AD 500 साल हो गए, 500 साल में मौर्य के बाद में पोस्ट मौर्य पीरियड आया, पहले इंडस वैली, फिर अर्ली वैदिक एज, फिर लेटर वैदिक एज, बुद्धिज्म जैनिज्म, 600 BC जिसको हम लोग एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, मगध एम्पायर, मगध एम्पायर के अंदर कई सारी डायनेस्टीज हो गई, हरियंक हो गई, शिशुनक हो गई, नंद हो गई, और उसके बाद में मौर्य हो गई। मौर्य के बाद में दोस्तों हमारे देश में पोस्ट मौर्य पीरियड चालू होता है जो कि 500 साल का है। इसी के अंदर सबसे पहले जो है मौर्य साम्राज्य को खत्म करके, है ना, शुंग डायनेस्टी ने दोस्तों अपनी इतिहास को, अपने एम्पायर को जमाया, और उसके बाद में कन्व डायनेस्टी ने दोस्तों शुंग को हरा के अपना एम्पायर जो है वो जमाया। ये दोनों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जो कि 300 AD तक है। इसी के बीच में साउथ इंडिया के अंदर सतवाहन एम्पायर आ चुका था, और हमारा जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहां पे ग्रीक रूलर से जो कि आना स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जो था अब इतना स्ट्रांग नहीं बचा था जितना कि मौर्य साम्राज्य के टाइम में था। आप अगर मैप देखोगे दोस्तों तो आप समझ जाओगे, ये पूरा मौर्य एम्पायर जो है आप देख रहे हो, ये पूरी दुनिया का हाल है। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे, जैसे कि चाइना और इधर वाले एरिया के अंदर हैन डायनेस्टी थी, यहां पे डियान कल्चर था, यहां पे हमारे पूरे इंडिया में 200 BC के टाइम भी मौर्य साम्राज्य जो है वो पूरे देश के ऊपर था। लेकिन क्या हो गया, जैसे ही मौर्य का पतन हुआ, यहां पे शुंग डायनेस्टी, यहां पे सतवाहन, यहां पे दोस्तों आपके ग्रीक बैक्टीरियन, ये जो लोग है ना, ये वाले लोग जो है यहां पे ग्रीको बैक्टीरियन, ये लोग दोस्तों यहां पे आना चालू हो चुके थे, और पार्थियंस भी आना यहां पे चालू हो चुके थे।
ये सारे के सारे जो आपके वेस्ट एशियन सेंट्रल एशियन वाले जो कंट्रीज वाले रूलर्स हैं, ये सारे इंडिया की तरफ घुसना चालू हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे शुंग एम्पायर बहुत ही वीक, मतलब बहुत ही छोटा एम्पायर था, और इधर तो छोटे मोटे राजा थे, तो इनसे तो ये जीत सकते भी थे। इसी चक्कर में ये सारे यहाँ पे आना चालू हुए, और धीरे धीरे दोस्तों बाद में शंख भी जो है यहाँ पे आना चालू हो गए। तो पूरी दुनिया में हमारे यहाँ पे इंट्रूजन जो है वो स्टार्ट हो चुका था, समझ गए। अभी तक हम लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने टोटल 9 लेक्चर है जो कि कर लिए, आज हमारा 9th लेक्चर है, और आज हम लोग 300 एडी तक पहुंच चुके हैं। आपको मैंने हर एक पॉइंट वो बताया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। सारे एग्जाम में जो सवाल मिलेंगे वो आपको यहीं से मिलेंगे जो कि मैंने आपको करवाए हैं, समझ गए। तो एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपद, मगध, पोस्ट मौर्य, आज हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई को अगर स्पॉन्सरशिप करनी है तो Skill24 डाउनलोड कर लेना, कई सारे कोर्सेज है, जो भी आपका इंटरेस्ट है कर लेना उसको ज्वाइन। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, आपकी जॉब का जुगाड़ हो जाएगा, कहाँ पे मिलेगी वो भी बता देंगे, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर एक बार आप मौर्य साम्राज्य को देखोगे, है ना, तो मौर्य साम्राज्य का जो पीरियड है वो आपको चंद्रगुप्त के 322 बीसी से स्टार्ट होगा, और बृहद्रथ जो लास्ट 184 बीसी 322 बीसी से जिसकी शुरुआत हुई, 185 बीसी तक आपको इस वाले फेज में आपको पूरा का पूरा ये मौर्य साम्राज्य जो है वो आपको देखने को मिलता है। जब बृहद्रथ था ना, इसी के यहाँ पे एक जनरल हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग ने क्या किया दोस्तों, जनरल ने बृहद्रथ को मार दिया और खुद की डायनेस्टी है जो कि स्टार्ट कर दी, जिसको पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी जो है वो कहा गया, शुंग डायनेस्टी कहा गया। तो इसने 184 बीसी के टाइम पे दोस्तों इसका मर्डर कर दिया था। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत हुई थी नंद डायनेस्टी को हरा के 322 बीसी के अंदर, इसको आयरन एज मानते हैं। पाटलिपुत्र दोस्तों कैपिटल थी, संस्कृत और पराकृत लैंग्वेज उस टाइम पे बहुत फेमस थी, और कई सारे रिलीजन है जो कि इंडिया के अंदर आ चुके थे। इसी प्रकार से ठीक है, ये तो खैर हो चुका है बात, ये पूरा एम्पायर जो कि उस टाइम पे हुआ करता था, है ना। अगर बाद में पहले शुंग डायनेस्टी जो है उसने मगध मौर्य की जगह एम्पायर जमाया, उसके बाद में साउथ इंडिया में सतवाहन ने, और उसी प्रकार से दोस्तों सेंट्रल एरिया के अंदर अगर मैं वेस्टर्न पार्ट बात करूं, अगर मैं बिल्कुल इंडिया का, जैसे ये इंडिया है इसका इधर वाले पार्ट की बात करूं, तो ये वाला एम्पायर था यहाँ पे, ठीक है, महा मेघना वर्णा डायनेस्टी। और हमारा जो इधर वाला पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला इधर वाला जो पार्ट है, वो ग्रीको ने दोस्तों अटैक कर दिया था। इंडो सिंथियंस, इंडो ग्रीक है जो कि यहाँ पे अटैक कर चुके थे, जो उन्होंने यहाँ पे अपना पैर जमाना स्टार्ट कर चुका थे। तो इंडिया जो है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो चुका था, यहाँ पे शुंग एम्पायर था, नीचे साउथ इंडिया सतवाहन, और बिल्कुल नीचे चोल और पांडियन, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे आ चुके थे ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम के लोग, काफी आगे तक सिंथियंस भी आ चुके थे। इस तरीके से ये पूरा एम्पायर है जो कि 200 बीसी के आसपास से 150 बीसी के आसपास से, जो कि कुछ इस तरीके का भारत हमको देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग है ना, कहां पर देखो एक राजा था जिसने पूरा देश एक कर दिया था, उसके जैसे जैसे जाते ही किस तरीके से जो है वो पूरा साम्राज्य बदल गया, पूरा देश का नक्शा ही बदल गया, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा शुंग एम्पायर है जो कि बन चुका था। ये वाला जो पार्ट है वो महा मेघा वर्णन था, सतवाहन, चौल, पांडियन, और यहां पे इंडो ग्रीक है जो कि आ चुके थे, समझ गए। कैपिटल पाटलिपुत्र, विदिशा, संस्कृत लैंग्वेज, हिंदुइज्म, मोनार्की थी, और पुष्यमित्र दोस्तों पहला रूलर, और लास्ट जो था इसके अंदर देवभूति जो था, अग्निमित्र और देवभूति, ये आपको शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो कई छोटे छोटे किंगडम बने, कई छोटे छोटे किंगडम खत्म हुए इस पूरे के पूरे कार्यकाल के अंदर, कई छोटे छोटे किंगडम बन चुके थे, है ना। मेजरली जो 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक 500 साल के बीच में कुछ एक जो नोटेबल डायनेस्टीज रही, जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिली किताबों से, कुछ राजाओं के बारे में पता लगा, उसके अंदर शुंग थी, सतवाहन थी, कण्व डायनेस्टी थी, ये हमारे नॉर्थ और साउथ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्थ जो हमारा वेस्ट है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वहां पे ग्रीको, इंडो ग्रीको लोग है जो कि आ चुके थे, पार्थियंस भी आ चुके थे, और खुशान रूलर भी दोस्तों, फॉरेनर इन्वेडन, तीन जगह तीन लोग है जो कि बाहर से भारत पे अटैक करने आए, फॉरेन इन्वेजन थे, इंडो ग्रीक जिसको बैक्टीरियंस भी कहते हैं, वैसे ही शखाज हो गए,
है ना, वैसे ही पार्थियंस हो गए और वैसे ही कुषाण हो गए। तो ये चार ऐसे रूलर थे, चार ऐसे किंगडम थे जो कि बाहर से आए, और भारत में इन्होंने दोस्तों कंट्रीब्यूशन भी किया, ऐसी बात नहीं है। कुछ एक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हमें कैसे पता लगता है कि इस टाइम पे हमारे देश में ये सब चीजें हुई, तो कई सारी हमें किताबें, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शंस मिले जहां से हमें ये जानकारी मिली, समझ गए। जैसे कि धर्मशास्त्र दोस्तों एक बहुत ही फेमस किताब थी, मनुस्मृति, जिसको मानव धर्म धर्मशास्त्रम भी कहते हैं, वो मनु के द्वारा लिखी गई थी। तो ये लौकिक लेकर पहली किताब थी, है ना, जिसको लेकर काफी बवाल होते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं को लेकर, कास्टिज्म को लेकर, बहुत चीजों को लेकर। तो ये मनुस्मृति उसी टाइम पे लिखी गई। वैसे ही गार्गी संहिता और पतंजलि दोस्तों, है ना, जिन्होंने कमेंट्री की शुरुआत करी, पनानी अष्टाध्यायी, ये सब भी जो है इसी टाइम के ऊपर हमें देखने को मिले। इसी प्रकार से बुद्धिस्ट की जटा का स्टोरी है, दिव्य वदाम है, महावस्तु है ना, मिलांदा पन्हो है, संस्कृत के अंदर मिलांदा प्रश्न की किताब है जो कि लिखी गई, जिसमें क्वेश्चंस थे कई सारे। ये सारे के सारे किताबों के अंदर हमें इसी टाइम के बारे में जो है वो जानकारियां मिलती है। वैसे ही कालिदास की महा अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम जो किताब है काफी फेमस, हर्ष चरित्र है बानाभट के द्वारा, वो भी इसी ड्यूरेशन में लिखी गई, है ना। वैसे ही पेरिलियस ऑफ द एथ्रीनियस, ये एक ग्रीक सर्फर थे, उनके द्वारा लिखी गई, है ना। वैसे ही और भी फेमस किताब है, खरोष्टी करके अभिलेख है, उनके बारे में भी हमें इसी ड्यूरेशन के अंदर पता लगता है। तो कई सारे जानकारियां हमें अलग अलग सोर्सेज से हमने जुटाई और हमने पता किया कि सबसे पहले जो मौर्य साम्राज्य का जो अंत करने वाला पर्सन थी डायनेस्टी, वो शुंग एम्पायर था। 187 बीसी से लेकर नियर बाय 100 साल दोस्तों इसने रूल किया, 78 बीसी तक। ये डायनेस्टी नियर बाय 100 साल के आसपास है जो कि रही, 90 आप देख सकते हैं, है ना, 100 साल के आसपास है जो कि रही, जिसमें पाटलिपुत्रा जो दोस्तों कैपिटल हुआ करती थी ना, और विदिशा वहां पे सेकंड कैपिटल हुआ करती थी, समझ गए मेरी बात। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो पाटलिपुत्रा के अंदर गवर्नर जनरल हुआ करता था बृहद्रथ के टाइम पे। बृहद्रथ बहुत वीक रूलर था, उसको दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया और इस पूरे एम्पायर के अंदर अपना कब्जा है जो कि जमा लिया, ओके। और उस टाइम पे ग्रीक रूलर ने इन्वेजन भी किया, लेकिन शुंग ने दोस्तों उसको रोक लिया था, और उसने एक स्तूपा भी बनाया जिसको बोलते हैं बरहुत स्तूपा। बरहुत स्तूपा जो है पेपर में कई बार पूछते हैं किसके द्वारा बनाया गया, ध्यान रखिएगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनाया गया। शुंग के बाद में दोस्तों उसका बेटा आता है अग्निमित्र शुंग, अग्निमित्र ने दोस्तों रूल करना चालू किया। कालिदास का जो प्ले है मालविका अग्निमित्रम, उसके अंदर एक लव स्टोरी है जो कि किंग अग्निमित्र की है, और एक उसी के टाइम पे एक मालविका नाम की लड़की होती थी उसके बारे में। तो ये जो किताब है ना, इस किताब के बारे में जो अग्निमित्र रूलर है वो शुंग का ही बेटा है एक्चुअली में, जो कालिदास ने डिस्क्रिप्शन किया है, समझ गए। इंडिया को के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करी गई दोस्तों कई राजाओं के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया के राजा था डेमेट्रियस, इसने भारत में घुसने की कोशिश करी, है ना। और वास्तुमित्र ने, जो अग्निमित्र का जो बेटा था वास्तुमित्र, उसने उसको रोक लिया, अंदर नहीं आने दिया। अश्वमेघ सेक्रीफाइस जो है वो उसने वापस से करवाया इसके वास्तुमित्र ने। ब्राह्मण का जो डोमिनेंस था वो अभी भी था, ओके, क्योंकि ये जो रूलर्स थे वो भी ब्राह्मण ही थे। और पतंजलि, मनु, ऐसे स्कॉलर्स भी जो है वो हमें इन्हीं के टाइम पे दोस्तों देखने को मिलते हैं, समझ गए। पतंजलि जिसके नाम पे आज हजारों 50,000 करोड़ की कंपनी बनी हुई है, वो आपको शुंग के डायनेस्टी पे ही देखने को मिलते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद की भी शुरुआत करी। ऑलराइट, अग्निमित्र के बाद में वासुदेव किंग बने, वासुदेव के किंग बनने के बाद में ही, है ना, इन्हीं की डायनेस्टी के छोटे छोटे और भी कई सारे किंग है जो कि बनते चले गए। और शुंग डायनेस्टी बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस वाले पूरे एरिया को जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया। शुंग डायनेस्टी के अंदर जो लास्ट रूलर हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं देवभूति, समझ गए। सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग, फिर उसके बाद में अग्निमित्रा, उसके बाद में वास्तुमित्रा, फिर छोटे छोटे से रूलर्स आए, लास्ट देवभूति। देवभूति को दोस्तों मार दिया गया उसी के जनरल के द्वारा जिसका नाम था वासुदेव, समझ गए। वासुदेव ने दोस्तों क्या किया, कन्व डायनेस्टी की जो है वो शुरुआत करी, जो कि नियर बाय ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के टाइम पे रही। ये डायनेस्टी भी दोस्तों कोई बहुत ज्यादा टाइम तक जो है वो सक्सेसफुली नहीं रह पाई, समझ गए। शुंग डायनेस्टी ने दोस्तों गोल्ड और सिल्वर कॉइन के ऊपर काफी काम किया, है ना। मौर्यन स्ट्रक्चर जो थे उसी को कंटिन्यू रखा,
ब्राह्मण को वापस से पैरिटी दी गई, लेकिन उन्होंने वो टॉलरेंट थे बुद्धिज्म जैनिज्म को लेकर, उन्होंने कोई किलिंग करना, परेशान करना ऐसा कुछ भी नहीं किया, शांति से दोस्तों रहा करते थे। आर्क और आर्किटेक्चर के अंदर शुंग ने जो है वो कुछ चीजें एड ऑन करी, जैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है इसको जो है काफी अप्रिशिएट किया शुंग के टाइम पे, समझ गए, गेटवेज बनाना, स्टोन की रेलिंग्स बनाना, ये सब चीजें जो है वो शुंग के द्वारा मथुरा स्कूल को लेकर थोड़ी शुरुआत करी गई। इसी प्रकार से मनु के जो मानव धर्म शास्त्र जो मनुस्मृति जो कहते हैं, है ना, कालिदास की मानवीय अग्निमित्रम, ये भी इसी के टाइम पे बनाई गई। इसी प्रकार से दोस्तों यवन राज्य शिलालेख, एक और है यवन राज्य और एक है धनदेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन, ये दोनों भी शुंग के टाइम पे बनाया गया। पेपर में कई बार पूछते हैं, दूर दूर तक आंसर है जो कि नहीं निकल पाता है, किसको याद होगा, है ना, यवन राज्य शिलालेख किसके टाइम पे लिखा गया, धनदेव अयोध्या शिलालेख किसके टाइम पे लिखा गया, ओके, मनुस्मृति किसके टाइम पे लिखी गई, है ना, मानव धर्म शास्त्रम ये किसके टाइम पे लिखा गया, किसने लिखा, तो ये सारे सवाल है जो कि बन जाते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया बरहुत स्तूपा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा दोस्तों बनाया गया। अब जैसे ही ये डायनेस्टी जाती है वैसे ही आते हैं जैसे कि कण्व डायनेस्टी 73 BC से लेकर 28 BC, शुंग तो 100 साल तक रही, कण्व जो है वो 50 साल तक ही रही क्योंकि इनके टाइम पे कोई बड़े रूलर नहीं हुआ करते थे। वासुदेव कर्ण ने दोस्तों देवभूति को मारा और अपना पूरा एम्पायर है जो कि जमा लिया, समझ गए। इनके बाद एक और रूलर आते हैं जिसका नाम था भूमि मित्र, ओके, वासुदेव जो है वासुदेव कर्ण के बेटे थे भूमि मित्र, तो भूमि मित्र और उनके बेटे नारायण जो थे, ओके, उन्होंने 26 साल तक जो है वो नियर बाय रूल किया। इन्हीं के अंदर जो लास्ट रूलर था कण्व के अंदर उसका नाम था सुसरमन, सुसरमन को दोस्तों सतवाहन किंगडम के द्वारा मार दिया गया और ये एरिया और ये डायनेस्टी दोस्तों दोनों खत्म हो गई, समझ गए। और इसी प्रकार से कण्व डायनेस्टी के कण्व डायनेस्टी के एंड होते ही जो ब्राह्मण जो पूरा का पूरा डोमिनेंस था, जो कि ब्राह्मण राजा भी थे, ब्राह्मण को सपोर्ट करते थे, जो ये ब्राह्मणवाद जो था वो वहां पे दोस्तों अंत हो गया उसके साथ में, समझ गए। तो जिस तरीके से पोस्ट मौर्य के टाइम पे ब्राह्मण रूलर्स रहे, है ना, वो पूरी पूरी तरीके से यहाँ पे कण्व डायनेस्टी जो ब्राह्मण्स की थी वो एंड हो गई इसके अंदर, समझ गए। तो कण्व डायनेस्टी में सबसे पहले वासुदेव, उसके बाद में उनके बेटे क्या नाम था उनका, भूमि मित्र, उसके बाद में नारायण और लास्ट किंग थे सुसरमन, जिसको किसके द्वारा, सतवाहन डायनेस्टी जो आंध्र प्रदेश की डायनेस्टी थी उसके द्वारा मार दिया गया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये चार रूलर है जो कि यहां पे रहे, है ना। शुंग का जो एम्पायर था उसके आगे दोस्तों कण्व कुछ खास नहीं कर पाए, समझ गए। कंप्लीटली दोस्तों ये कण्व जो किंग थे वो ब्राह्मण रूलर्स थे, है ना, सेज जो थे सोभारी उनके ये पुत्र है जो कि माने जाते हैं, ओके। इसके अलावा सेंट्रल एरिया के लोकलाइज्ड एरिया के अंदर इन्होंने अपना एम्पायर है जो कि बना रखा था, कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलता। इन्हीं के टाइम के बाद में एक और छोटी सी डायनेस्टी और आती है जिसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, चेडी डायनेस्टी। हालांकि इसके इतिहास के पन्नों में इसके बारे में बहुत ही कम लिखा हुआ है, लेकिन 1st century BC के टाइम पे जब ये कण्व डायनेस्टी चली गई 50 BC के टाइम पे, 70 BC के टाइम पे, उसी के टाइम पे थोड़े टाइम के लिए दोस्तों चेडीज भी जो है कलिंग के चेडी है जो कि माने जाते हैं, उन्होंने भी अपने साम्राज्य की स्थापना करी, ओके। और यहीं पर ही दोस्तों खारवेल के राजा है जो कि हुआ करते थे, थर्ड जो किंग थे कलिंग के उनको खारवेल कहते थे। कई बार पेपर में पूछते हैं कि खारवेल के राजा कौन थे, कौन सी डायनेस्टी थे, तो कलिंग का जो एम्पायर था वहां पे चेडी किंग्स हुआ करते थे, तो तीसरे वाले जो थे ना वो कार्लिंग थे। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन बहुत ही फेमस है, उड़ीसा के अंदर उदयगिरी हिल्स जो है ना वहां पे बना रखा है, तो उन्होंने जो है ना इस रूलर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रखा है, काफी अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि लिखी हुई है, समझ गए मेरी बात। ऐसा माना जाता है कि हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो उदयगिरी के अंदर है वहां पे कलिंग का जो किंग है खारवेल इसके बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने पांडवास को हराया, इन्होंने मगध को हराया, सतवाहन को हराया। हालांकि हमें ज्यादा डिटेल में इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनकी काफी तारीफ है जो कि करी गई थी। खारवेल दोस्तों बांध में जैन फॉलोवर बन गए और डिवोटी बन गए, जैन मॉन्क बन गए, और उदयगिरी हिल्स जहां पे अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कुछ टाइम पहले, है ना, वहां पर दोस्तों वो चले गए, ठीक है गाइस। और इनको कई अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, चेटीज को चेता, चेतवंश, महामेघ वाहन भी दोस्तों कहा जाता है, अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा पेपर में कई बार थोड़ा टफ सवाल बन जाता है तो आ जाता है, ठीक है। आज हम लोग जो है पूरा इंडिया का एम्पायर जो है उसमें हम लोग दो चीजें पढ़ रहे हैं,
मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि आज हम लोग जो है हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है 200 से लेकर 500 बीसी का, 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक का जो 500 साल का पीरियड है ना, उसके अंदर जो हमारा कौन सा वाला एरिया, मैं आपको एरिया दिखा दे, हाँ, तो हम लोग आज ये वाला एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पे हमने शुंग के बारे में पढ़ा, कण्व के बारे में पढ़ा, इसके साथ हम लोग सत्वान के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वाला जो एरिया है ना, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो क्योंकि यहाँ पे इंडो ग्रीक है ना, संग पार्थिन्स, कई सारे फॉरेन इन्वेजन है जो कि हमें देखने को मिले, तो कई सारे रूलर है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, इकोनॉमी अलग है, ट्रेड अलग है, कॉइन अलग है, आर्ट अलग है, तो थोड़ा बड़ा लेक्चर है ये वाला, तो ये फॉरेन इन्वेजन वाला जो है थोड़ा अलग से लेक्चर है, तो अगली बार जो हम लोग करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट कवर करेंगे। इन 500 सालों के अंदर हमारे देश में तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक दो और तीन, एक और दो हम लोग आज कवर कर रहे हैं, तीसरा अगले वाले में करेंगे, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से 500 साल जो कि कवर हो जाए। ऑलराइट, चलिए तो सत्वान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सत्वान के बारे में बात करें तो ये पूरा एम्पायर आप देख सकते हो साउथ इंडिया का सत्वान के द्वारा कैप्चर है, जो कि कर लिया गया, इनको आंध्रा डायनेस्टी भी कहते हैं है ना पुराण के अंदर, और शिमुक करके दोस्तों इसके फाउंडर है जो कि माने जाते हैं, समझ गए मेरी बात। पूरा का पूरा डंकन वाला जो पूरा एरिया है वो पूरा इनका माना जाता है। सबसे पहले पैथान करके महाराष्ट्र में एरिया था, वो उनकी प्राइमरी कैपिटल थी है ना, और गोदावरी नदी के आसपास जो कि ये रहा करते थे पहले। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले इनकी जो कैपिटल थी वो पैथन वाली थी, और दूसरा वाला जो है अमरावती जो है इनकी कैपिटल मानी जाती थी, समझ गए मेरी बात है ना। पहले तो प्रतिष्ठान नाम की और दूसरी अमरावती, दोनों नाम भी ध्यान रखिएगा, इनकी कैपिटल भी पूछते हैं। पहले तो महाराष्ट्र में पैठण नाम का एरिया है, पैथान है ना, पैठण एरिया जिसको प्रतिष्ठान भी कहता है, तो वो पहली कैपिटल है गोदावरी के पास में ये, दूसरी दोस्तों अमरावती है जो कि इनकी कैपिटल मानी जाती थी, समझ गए। इन्फॉर्मेशन जो हमें इतिहास में मिलती है, इतिहास में जो हमें सत्वान के बारे में जो मिलती है वो ये 200 बीसी से ही दोस्तों शुरुआत होती है, और फिर ये आगे की तरफ जाती है, समझ गए मेरी बात। तो हमारे पेपर के लिए थोड़ी जरूरी है, कई बार जो है इसके बारे में पेपर में पूछ लेते हैं सत्वाहन के बारे में। आवाज आवाज आ रही है परफेक्टली, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है क्या, एक बार मुझे थम्स अप कर दो। चलिए, और सत्वान का ड्यूरेशन क्या रहा, सत्वान का ड्यूरेशन भी एक्चुअली के अंदर यही वाला रहा, 200 बीसी से 300 एडी, ये जो 500 साल है ना इसी के अंदर दोस्तों सत्वान डायनेस्टी भी रहती है, और 300 एडी आते आते जो है ये डायनेस्टी पूरी तरीके से डिस एस्टैब्लिश है जो कि हो जाती है। इसके बाद में कई सारे आंध्र के कई सारे छोटे छोटे रूलर्स है, पल्लव है, अभीरा डायनेस्टी है, ये सारे रूलर है जो कि इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब कुल मिला के इनके जाने के बाद में, 3 AD के टाइम पे जाने के बाद कई सारे छोटे छोटे पार्ट में जो है साउथ इंडिया डिवाइड हो जाता है, समझ गए। शिमुक जो थे सबसे पहले इसके फाउंडर थे। कई सारे इंस्क्रिप्शन से दोस्तों हमें कई सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण पुराण है, महाकाव्य है ना, गुणाद की बृहत कथा है, वात्स्यायन की कामसूत्रा है, कामसूत्रा भी दोस्तों सत्वान के टाइम पे ही इसी एरिया के अंदर है जो कि लिखी गई थी है ना, किसके द्वारा, वात्स्यायन के द्वारा। तो ये सारे जो अलग अलग इतिहासकार के टाइम पे इन्होंने अलग अलग चीजें लिखी, यहीं से ही हमें सत्वान के बारे में पता लगता है। इसी के अलावा नानाघाट के अंदर शिलालेख है कि नहीं, ये नानाघाट के अंदर तो वहां पे शिलागेट है, नासिक शिलालेख है, खारवेल का हाथीगुम्पा शिलालेख, अशोक का एरागुडी, वहां पर भी दोस्तों हमें शुंग के बारे में भी और सत्वान के बारे में अलग अलग जानकारी है जो कि मिलती है, समझ गए मेरी बात। तो स्टोन से के ग्रेवयार्ड से जो है सत्वान के टाइम पे काफी ग्रेवयार्ड्स पे भी इंफॉर्मेशन है जो कि देखने को मिलती है। चलिए, तो आप देख सकते हो नासिक इंस्क्रिप्शन जो है ना, वहां पर भी इनके बारे में लिखा हुआ है ना, नैनीकत करके नासिक जो शिलालेख है, वहां पे गुजरात और मलावा मालवा वाला जो एरिया है वहां पे जो इन्होंने कॉन्कर किया था ना, वो हमें जानकारी वहां से मिलती है। इनके टाइम पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रूलर था गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिसने काफी दोस्तों अचीवमेंट है जो कि अपने जीवन में हासिल करे। नासिक जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में काफी जानकारी है जो कि लिखी हुई है, समझ गए मेरी बात। इनको दोस्तों एक ब्राह्मण के नाम से भी जानते थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मण भी कहते थे, क्योंकि इन्होंने दोस्तों ठीक है देखो शकास को हराया, ग्रीक को हराया, पार्थिन्स को हराया, नहापन्ना, कई सारे अलग अलग किंग्स को अलग अलग टाइम पे जो है इन्होंने हराया था,
ओके गाइज, इसके अलावा गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो बाद के लोग थे ना वो बहुत वीक थे। सतवाहन के अंदर या तो शिमुख पावरफुल था या गौतमीपुत्र सतकर्णी पावरफुल था, इसके अलावा ज्यादा लोग पावरफुल नहीं थे। तो इनका जो एम्पायर जब एंड हो रहा था उसको लास्ट में था एक याजना श्री सतकर्णी करके एक रूलर हुआ करता था जो बहुत ही वीक था। उसको दोस्तों हराया किसके द्वारा? रुद्र रमन के द्वारा। आप देख रहे हो 150 AD, 150-200 AD के टाइम पे दोस्तों रुद्र दमन जो थे उसने सतवान को हरा के इस एरिया को कैप्चर कर लिया और सतवान डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। सतवान डायनेस्टी में जो इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं वो शिमुख है जो कि फाउंडर है, उसके बाद में काना है, उसके बाद में सतकर्णी प्रथम है, सतकर्णी द्वितीय है, फिर आता है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी, समझ गए, उसके बाद आपका वशिष्ठ पुलावामी, फिर उसके बाद एक और है वशिष्ठ सतकर्णी शिव सतकर्णी और लास्ट जाके आता है श्री सतकर्णी। तो श्री सतकर्णी जो बहुत ही वीक था उसी को रुद्र दमन ने हरा के इस पूरे एम्पायर को कैप्चर कर लिया था। ओके गाइस, ये देखिए इसी टाइम पे एक और इंपॉर्टेंट रूलर है ना अलकर्णी, ये आया था गुजरात मालवा और आंध्र वाले एरिया के अंदर इसने रूल किया था है ना। और अलकर्णी के बाद में ही जो है ये देखो याजनासुत अलकर्णी, तो अलग करने के बाद में जो है ये एम्पायर पूरी तरीके से वीक हो गया, डिक्लाइन होना चालू हुआ और बाद में जो नया वाकाटक डायनेस्टी जो थी उसने दोस्तों इस एम्पायर को पूरी तरीके से कवर कर लिया, जो खुद भी दोस्तों क्या थे ब्राह्मण रूलर ही थे। ऑलराइट, इस तरीके से आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। हॉर्स सेक्रीफाइसेस और बाकी सब चीजें इनके टाइम पे भी दोस्तों हुआ करती थी जैसे बाकी के टाइम पे हुआ करती थी। ठीक है गाइज, ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कि जो पूरा सतवाहन जो और पूरा एम्पायर जो था ना ये कैसा था उस टाइम पे, कैसा इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत ही अमेजिंग था। आमत्य और महापात्र ये दो वर्ड के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये दोनों दोस्तों जिला अधिकारी हुआ करते थे, आमत्य और महामात्र, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे सतकर्णी जो सतवाहन रूलर था उनके टाइम पर, उनको अहारा भी दोस्तों कहा जाता था, अहारा। ठीक है, पेपर में पूछते हैं इन दोनों के बारे में, ध्यान रखिएगा है ना। ओके, क्या नाम हुआ? अमर्त्य और साथ में महामात्र। ओके, किंग जो है वो ब्राह्मण को लैंड जो कि डोनेट किया करते थे है ना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बहुत ही पावरफुल था। गौलमी का एडमिनिस्ट्रेशन रूरल एरिया में था। काकटे और सकंदवार मिलिट्री कैंप से जो कि लगा करते थे। स्कंदवारा और कटक ये क्या थे? मिलिट्री कैंप से जो कि हुआ करते थे। और गौमिल का जो ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा एम्पायर है जो कि देखा करते थे। गौमिल का तो ग्राम वाला हो गया, मिलिट्री वाला जो पूरा काम है वो कटक और स्कंदवार जो है ये देखा करते थे। ठीक है, सतवाहन के टाइम पे राजा को जो है वो धर्म का रक्षक माना जाता था। धर्मशास्त्र न केवल लोगों के लिए बल्कि राजाओं के लिए भी आदर्श निर्धारित करता था। धर्मशास्त्र जो बनाया, जो किताब लिखी गई, उसके अंदर राजा के अधिकारों के बारे में, राजा के रूल्स के बारे में भी डिफाइन कर रखा था। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन काफी इनका पावरफुल माना जाता है। जो ये दो तीन मैंने नाम बताए आपको, ये नाम आपको ध्यान रखने, ये आपके पेपर में पूछते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, सतवाहन को दोस्तों उस टाइम पे आर्किटेक्चर के अंदर काफी पसंद था और इन्होंने जो है वेस्टर्न घाट के अंदर अजंता, नासिक, कौल, बाजना, कौंडेन, कन्हारी, ये सारी केव्स का जो है वो काफी फॉर्मेशन किया। ठीक है, अजंता, नासिक, कौले, बाजा, कौंडेन, कन्हेरी, ये सारी गुफाएं जो है इन्हीं के टाइम पे दोस्तों काटी गई थी। इन गुफाओं को चैत्य या फिर विहार बनाने के लिए काटा गया। चैत्य के अंदर तो बौद्ध के लोग, चैत्य और विहार जो थे ना बौद्ध बुद्धिस्ट लोग रहते थे, तो चैत्य और विहार ये दो एरिया थे अलग अलग जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क के जो कि रहा करते थे, तो ये एरिया केव्स को काट के उनके लिए जो है बनाया करते थे है ना। जो कौल चैत्य है ये सबसे बड़ा दोस्तों केव टेंपल है जो कि यहां पे माना जाता है, इनके द्वारा बनाया गया। इसी प्रकार से नागार्जुना कोंडा और अमरावती व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए बहुत फेमस थे। स्तूपास दोस्तों व्हाइट मार्बल से बनना स्टार्ट हो चुके थे। सतवांश ने अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग के विकास में भी काफी योगदान दिया। अजंता केव्स की जो पेंटिंग है वो बहुत सालों के अंदर बनाई गई, 500-700 सालों में, उसी के अंदर दोस्तों सतवान का भी कंट्रीब्यूशन है जो कि हमें देखने को मिलता है ना। काफी अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन स्पिरिचुअलिटी के तौर पे इन्होंने बताया। ओके, बुद्ध का संपूर्ण जीवन जो है सप्तशती के तौर पे इन्होंने दोस्तों पिक्चराइज है जो कि अजंता के अंदर किया था।
तो अजंता में भी इनका काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। इकोनॉमी की बात करें तो सतवान के दोस्तों द्वारा कॉइन्स जो है वो रिलीज करे गए। कॉइन्स जो थे इनके वो बहुत ही फेमस थे, ठीक है, गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन तो ऑलरेडी मार्केट में आ ही चुके थे, उसके अलावा कॉपर के और भी अलग अलग प्रकार के लीड के जो है कॉइन्स है जो कि इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है गाइस। कापर्शन क्या बोलते थे उनको, कापर्शन करके है जो कि उनको कहा जाता था, ठीक है। ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने कॉइन के ऊपर खुद की पेंटिंग्स और खुद का इंस्क्रिप्शन है जो कि बनाना स्टार्ट किया, खुद की फोटो है जो कि कॉइन के ऊपर आने की जो शुरुआत है वो इन्हीं के टाइम से हुई थी, सतवान के द्वारा ही किया गया, समझ गए। कॉटन का प्रोडक्शन हो गया, आयरन ओर का को प्रोड्यूस करना करीमनगर के अंदर, ये सब जो है वहां पे स्टार्ट जो कि हो चुका था। ऑलराइट, सोसाइटी और रिलीजन के बारे में बात करें तो सतवान जो है वो भी ब्राह्मणवाद को फॉलो किया करते थे, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी मेजरली जो है साउथ इंडिया, आज भी आप देखोगे तो मैट्रियार्कल सोसाइटी मिलेगी, उस टाइम पे भी यही था। ओके, ज्यादातर जो किंग है ना वो अपने मदर के नाम पर ही दोस्तों उनके नाम रखा करते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी पुत्र मतलब गौतमी जो थी उसकी मदर का नाम था। ओके, वैसे वशिष्ठा पुत्र एक और था पुतुमाई, है ना, वशिष्ठ पुत्र पुतुमई, वो भी वशिष्ठ की वशिष्ठ पुत्र थी। वैसे यशश्री सतकर्णी, यशश्री जो थी वो उसकी मदर का नाम था, समझ गए मेरी बात। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी है जो कि हमें देखने को मिलती है, चलिए ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पे हमने 200 बीसी से 300 एडी के बीच में पोस्ट मौर्य एम्पायर कवर किया, तीन पार्ट में डिवाइडेड था, फॉरेन इन्वेजन, शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी और साथ में सतवाहन। कण्व, शुंग और सतवाहन आज हमने कवर कर ली है, फॉरेन इन्वेजन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अपनी स्किल इंप्रूव करनी है तो स्किल 24 पे आप जाके कर सकते हैं, और आपको कहाँ पे जॉब मिलेगी, कैसी मिलेगी, वो भी आपको यहाँ पे बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, वापस मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।